राजघाट थाना क्षेत्र स्थित राधाकांत ज्वेलर्स के दुकान में हुए चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है और घटना में शामिल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने चोरी के जेवरात और एक चाकू बरामद किया है। पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि राजघाट पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नॉर्मल कैंपस से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान रियासत अली खान पुत्र मोहम्मद शफीक खान निवासी तुर्कमानपुर यादव टोला थाना राजघाट तथा अरबाज खान पुत्र शमसाद खान निवासी हैदरगंज थाना पिपराइच के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त रियासत अली खान के पास सफेद धातु के 780.5 ग्राम के जेवरात व एक चाकू बरामद किया है तथा दूसरे अभियुक्त अरबाज खान के पास से सफेद धातु के कुल 709 ग्राम के जेवरात, एक चाकू व एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि दोनों अभियुक्तों का पहले से आपराधिक इतिहास है और वे जेल जा चुके हैं। इस मौके पर शॉप के प्रोपराइटर राधाकांत वर्मा ने चोरी के खुलासे पर पुलिस का आभार व्यक्त किया और उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली टीम में राजघाट थाना प्रभारी अरुण पवार, ट्रांसपोर्ट नगर चौकी प्रभारी अवधेश चंद्र मिश्रा, पांडेहाता चौकी प्रभारी अरविंद कुमार राय, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार सिंह, कांस्टेबल राजू यादव, अश्विनी कुमार यादव व उपेंद्र मौर्य शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दुकान के प्रोपराइटर राधाकांत वर्मा और एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, वो भी 10,000 इनाम लिख दो, मैं तुम्हें तो 10,000 दे रहे, 25,000 कर दिया जाएगा साहब सूची करने का। हाँ, तो हमने कहा कि यार साहब को सूची तो कर दो ना, कहेंगे कि ले और अच्छी सीधी साहब की हो। ये भी रख दो ना, ये भी आता है जो हम बना लेते हैं। आपके सराफा की एक भी घटना ऐसी नहीं है जो 6 से 7 दिन के अंदर न खुल गई। पूरे प्रेस करके 6 दिन 5-6 दिन में वो पानी बरस रहा था, उसका फायदा उठा ले गए, बाकी कुछ बराबर रहती है सर। सर बसंतपुर चौकी की कमी भी पूरी कर दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है आप। लाइन दे दिया गया है, नाम दे दिया। तो आपका सामान सारा मिल गया ना? हाँ सर। राधाकांत वर्मा, जिला प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ गोरखपुर और दुकान के व्यवसायी। आज हमारा जो भी दुकान की चोरी हुई है वो हमारे अभिभावक के रूप में परम पूज्य महाराज जी, जो हमारे दुकान के स्वयं के मालिक ही हैं, और हमने जो जब चोरी हुई तो मैंने प्रथम सूचना महाराज जी को दिया और सूचना के दौरान जो है प्रशासन को मिले, प्रशासन तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। आज जो भी है भगवान कृष्ण के रूप में अगर हमारे महाराज जी हैं, सुदामा के रूप में फिर आज हमें हमारा राज वापस दिया, हमारी दुकान को वापस उन्होंने कर दिया। मैं तो इतना खोखला हो चुका था, एकदम गरीब हो चुका था। 4.5 किलो चांदी का जेवर था उसमें और ये सारी जेवरें जो है बरामद हुई हैं, और हम चाहते हैं कि इसमें जो भी मान लीजिए प्रशासन, हमारे जो हमारे इंस्पेक्टर राजघाट जी, अरुण पवार जी और उनकी पूरी टीम, और राय साहब जो अभी परसों राय साहब आए हैं, अब परसों आते ही आते और चोर को उन्होंने सामने रख दिया। मैं समझता हूँ कि राय साहब जब से भी थे, 2 साल पहले भी थे अगर यहाँ पर, तो राजघाट थाने में कोई ऐसा क्राइम नहीं होता था, ये तो मानना पड़ेगा। इसमें कोई भी हो उनको देखते ही भूत भाग जाती थी। और पवार जी ने रात दिन एक करके और समझ लिए चोरों को बरामद कर दिया। कल रात में ही सूचना मिल गई थी कि चोर बरामद हो गए हैं और माल भी बरामद हो गया। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इन अधिकारियों को और ऊँचे भगवान गोरखनाथ जी आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे जैसा छोटा व्यापारी को अगर इन्होंने आगे बढ़ाया है तो आप समझ लीजिए हम तो भगवान कृष्ण के रूप में, योगी जी और सुदामा के रूप में, गरीब ब्राह्मण के रूप में आज मैं दुकान चला रहा हूँ।
और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से प्रशासन गोरखपुर की जनता के लिए सहयोग करे और गोरखपुर की जनता खुशहाल हो। और हम ये प्रार्थना करते हैं अरुण पवार जी से कि स्वस्थ हों अरुण पवार जी भी और एसपी सिटी साहब और हमारे सीओ साहब सारे अधिकारी मिलकर के हमारी फिर से हमारी जो है दुकान पर उन्होंने उजागर किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सारे अधिकारियों को। पाँच को हाशीगंज में दादागंज ज्वेलर्स के यहाँ से चोरी हुई थी, उसके बारे में तफ्तीश की जा रही थी। मुकदमा अपराध संख्या 108/21 पंजीकृत किया गया था 457-380 थाना राजघाट पर। इस क्रम में आज मुखबिर से सूचना मिली थी तो नॉर्मल कैंपस के पास से हमने दो लोग गिरफ्तार किए हैं। रियासत अली खान है पुत्र मोहम्मद शफीक खान और अरबाज खान है पुत्र शमशाद खान। इनके पास से 1479.5 ग्राम सफ़ेद धातु मिला और इसके अतिरिक्त 2 अदद नाजायज चाकू मिले हैं और 1 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया। इन पर मुकदमे हैं रियासत अली पे, इसके पहले भी 4 मुकदमे हैं चोरी से संबंधित हैं, 4/25 आम सैक्ट के मुकदमे हैं और अरबाज खान पे भी चोरी और आम सैक्ट के मुकदमे पहले भी चलते हैं, 2 मुकदमे हैं। ये इन्होंने ये कहा है कि मुख्यतः ये चोरी करके अपना जीवन यापन चलाते हैं, अपना जीवन यापन अपना खर्चा चलाने के लिए नशेबाज हैं इसलिए इस तरह से करते हैं।